आज हम बनाएंगे क्लॉथ नैपीज या कपड़े के नैपकिन। एक बच्चे के जन्म के साथ एक माँ का भी जन्म होता है और एक माँ से बेहतर ये कोई नहीं कह सकता कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत। डायपर्स में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्लॉथ नैपीज या कपड़े के नैपकिन बनाने के लिए क्या उपयोग होंगे। हमें चाहिए कॉटन का कपड़ा, कैंची, सुई और धागा। मैंने एक स्क्वायर कपड़ा लिया है और उसे फोल्ड कर दिया है ट्रायंगल शेप में। इसे मैं सुई और धागे से स्टिच करूंगी। आप इसे स्विंग मशीन में भी कर सकते हैं। इसके दोनों साइड्स को हम सिलाई करेंगे हाथों से या फिर सिलाई मशीन से। पहले इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। कॉटन का कपड़ा बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हवा को भी नहीं रोकता, इससे उनकी त्वचा नरम भी रहती है। तो इसे हम पहले ऐसे फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई करेंगे। मैंने इसमें रनिंग स्टिच में सिलाई किया है, सीधा सीधा स्टिच लगाया है मैंने। इसे आप स्विंग मशीन में भी कर सकते हैं। ये हो गया, दोनों साइड्स को सिल लिया है। अब इसमें सेंटर में हम एक छोटा कपड़ा लेके उसे इस तरह फोल्ड करेंगे और इसे बीच में फिक्स करेंगे, ट्रायंगल के बीच में इस तरह से। ये हो गया है, इसको हम लूप की तरह यूज करेंगे। ये दोनों एंड्स इस तरह से इसके अंदर घुसेंगे और इसे ऐसे नॉट बनाएंगे हम। तो इसमें आपको सेफ्टी पिन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।